हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आप लोग को एक लाइन बोलना चाहूँगा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो जो भी हैं अपने कदमों के मंजिल पर विश्वास रखते हैं, काबिलियत उनके कदमों पे अक्सर मंजिल पर वही पहुंचते हैं। तो आप लोग को खुद पे ये होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब तो फिर आप एक सीट पक्का कर सकते हैं, आप माँ बाप के सपना को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, और आप लोग के लिए देखिए अच्छा खासी वैकेंसी आई हुई, 21,391 प्लस वैकेंसी आई हुई। तो आपको मात्र एक सीट कंफर्म करना है। कितना सीट कंफर्म करना है? एक सीट कंफर्म करना है। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, जो मेहनत ईमानदारी से मेहनत करेगा पक्का उनका सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व स्तर पर संसद में महिलाओं को सर्वाधिक भागीदारी वाला देश कौन सा है? आपका क्वेश्चन है विश्व स्तर पर संसद में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका रवांडा। कौन सा हो जाएगा? रवांडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार कौन है? राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो देखिए कौन सा हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योगेंद्र चंद्र हसन। चलिए मेरे सेशन पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि आपने वीडियो को क्लिक किया लेकिन वीडियो का पूरा क्वेश्चन नहीं देखा। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से प्रभावी हुआ था? जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम 2019 तक कब प्रभावित हुआ था? ये हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2019। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 102वां। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांगदेहू पनबिजली परियोजना भारत कहाँ से बना रहा है? मांगदेहू पनबिजली परियोजना भारत कहाँ पर बना रहा है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, भूटान। कहाँ पे हो जाएगा? भूटान। नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन ड्रैगन फ्लाई किस ग्रह से संबंधित है? नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन ड्रैगन फ्लाई किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी शनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शनि। विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर लगभग 100 समिट किस देश का है? विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर समिट किस देश का है? तो कौन सा देश का हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा USA। कौन सा हो जाएगा? USA। उड़ीसा तट पर आए चक्रवाती तूफान समुद्री तूफान फोनों का नाम किस देश से रखा गया है? ओडिशा तट पर आए चक्रवाती समुद्री तूफान फोनों को नाम किस देश ने रखा था? तो कौन सा देश रखा था? इसका करेक्ट है बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश। निम्न कृषि योजना एवं राज्य सम्मिलित कर रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, कृषि आशीर्वाद योजना, कृषि आशीर्वाद योजना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 81 झारखंड हो जाएगा, कृषि आशीर्वाद योजना 81 झारखंड। उसके बाद सूर्य शक्ति किसान योजना ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कृषि बंधु योजना आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रायुत बंधु योजना आपका हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अनट्यूनेट सेविंग ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? अन
डुकेटेड सेविंग द इंडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके, कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पी चिदंबरम। कौन सा हो जाएगा? चिदंबरम। ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो इसका क्या आंसर बराक ओबामा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र विद्यमान है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र। कौन सा? घरेलू क्षेत्र। मानव विकास सूचकांक आयाम निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? मानव विकास सूचकांक एक आयाम निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन का एक सुनिश्चित पद। जीवन का एक सुनिश्चित पद। एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजनों में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया गया था यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए कौन सा आएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए अमर सेन। कौन सा हो जाएगा? अमर सेन। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित कौन से कार्य सहायक साबित हो गए हैं? सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए कौन से कार्य सहायक साबित हो सके हैं, हो सहायक साबित हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, एक दो तीन, मतलब स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई थी कौन से किससे संबंधित है? भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई थी कौन इससे संबंधित नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा? ऑर्गिन कुरियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण से सहायक है? कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए डी हो जाएगा, जैविक खेती। कौन सा हो जाएगा? जैविक खेती। NFED संबंधित है, NFED संबंधित है, यह है आपका कृषि विपणन से, कृषि विपणन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संसाधमक शासन व्यवस्था क्या, संसाधमक शासन व्यवस्था क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य निम्नलिखित में महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा संप्रभुता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदल गया है? कौन सा, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उड़ीसा। तेलंगाना राज्य का स्वरूप आया था, तेलंगाना राज्य स्वरूप आया, तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? द डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों में से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे, आपको पता है क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए क्या है, समानता का अधिकार से, संपत्ति का अधिकार किससे है, कि धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यक की सुरक्षा से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंदर ग्राम पंचायत का गठन है, भारतीय संविधान
के अंतर्गत ग्राम पंचायत गठन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन सा निर्देशक सिद्धांत। अगला 42वां संविधान संशोधन के 10,000 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, 42वां संविधान संशोधन के 10,000 आदर्शों को किस नाम जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव को अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव को अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, 50 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचक, है आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर देंगे, नहीं तो फिर इसका 50 निर्वाचकों द्वारा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होता है, यदि तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों, तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए ये, वे अविश्वसनीय प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, कितना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार उपरोक्त में कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे अंतिम स्थान कौन सा जिला है, स्वच्छ सर्वेक्षण में 2019 में सबसे अंतिम स्थान कौन सा जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहरसा, कौन सा हो जाएगा, सहरसा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने हेतु 4900 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने हेतु 4900 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा कोसी और मेची, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, आपको पता है किरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा चिनाव, कौन सा नदी, चिनाव। कर्नाटक की वह नदी जिसके निकट केंगा परमाणु संयंत्र स्थापित है, कर्नाटक की वह नदी जिसमें निकट केंगा परमाणु संयंत्र स्थापित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली नदी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, काली नदी। अगला क्वेश्चन देखें, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलगांव के समय कितने घंटे का अंतराल होता है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलगांव के समय कितने घंटे का अंतर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 घंटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन अवसादी, अगला क्वेश्चन है, कौन अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का भाग क्या है, अक्साई चीन का लद्दाख पठार, कौन सा हो जाएगा, लद्दाख पठार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन, पालघाट किसके मध्य स्थित है, पालघाट जो है आपका किसके मध्य स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकित झील के समीप, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित है, ये 3 राज्य हैं, क्या आपको पता है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो चलिए इसका देखिए कौन कौन राज्य है, तो ये हो जाएंगे राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती और मिल आगे जाकर पुनः मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, क्या क्वेश्चन है, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मिल आगे जाकर मूल पुनः मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाई, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ड़, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था, इसका उद्गम कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था, इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सतलज नदी और हरिकंदे बांध, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? क्या कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से जाना जाता है काली मिर्च। कौन सा मिर्च? काली मिर्च। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित धनुष क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित धनुष क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा स्कैंडिविंग देशों में भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्कैंडिंग देशों के भौगोलिक समूह में सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, हम लोग देखिए 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो आप लोग एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। भारत के चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता क्या है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, सुमेरिया। क्या हो जाएगा? सुमेरिया। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किस अर्थ में होता है? ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परिवर्तित काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंग मगध। अंग मगध ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमता, देवी तमता एवं नदी तमता संबोधित किया गया? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमता, देवी तमता और नदी तमता संबोधित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया? किसने एक तरफ से संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र और गणित और आर्य विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र और गणित और आर्य विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए क्या हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका सी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विवाह दीवान और खैरात स्थापित किया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विवाह दीवान और खैरात स्थापित किया, वह कौन था? तो ये थे आपका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक। कौन सा हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ऑप्शन आपका भी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो देखिए क्या मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति लाना, साम्राज्यवादी नीति ऑप्शन है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के में प्रचलित प्रणाली को उधार ली गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मंगोलिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? तो खान की उपाधि सम्मानित किया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विलियम हॉकिंग्स। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विलियम हॉकिंग। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना? डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? वर्ष 1920 में लाहौर में से लाला लाजपत राय उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका वंदे मातरम। कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? क्या आपको पता है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराम फुले थे।
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि कब दिया गया था, तो ये देखिए कब दिया गया था, ये दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। आपको बताना है क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ था, आप कमेंट में इसका कमेंट सेशन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, भारत के प्राचीनतम कला परंपराओं को सुनिश्चित पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था, यह कौन किया था इसका आंसर बताएंगे, और अवनींद्रनाथ टैगोर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, देख लेंगे इसको। उपाचारी दर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उपाचारी दर जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। शर्करा का इष्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है, शर्करा का इष्ट द्वारा किण्वीकरण पर करने पर कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। चाय में उत्तेजक गुण उपस्थित एल्काइड के कारण होता है, चाय में उत्तेजक गुण में उपस्थित किस एल्काइड के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कैफीन, कौन सा हो जाएगा, कैफीन। अगला क्वेश्चन है आपका, मकड़ियों के शरीर से स्रावित पदार्थ जिसमें मकड़ियां जाल बुनती हैं किस जैविक अणु से बनी जाती है, मकड़ियों के शरीर में स्रावित पदार्थ जिसमें मकड़ियां जाल बुनती हैं किस जैविक अणु से बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका प्रोटीन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी वास्तविक रूप से मछली, वास्तविक रूप से मछली कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा, कौन सा हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूगलिना में परनहरित अर्थ क्लोरोफिल होता है, फिर भी इस जंतु में फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यूगलिना में परनहरित अर्थ क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका, इसमें एक संकुचित शक्ति रीतिका होती है, इसमें संकुचनशील रीतिका होती है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्य होता है, पचे हुए भोजन का पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, कहाँ हो जाएगा छोटी आंत में। इनमें से कौन सा अंग हार्मोन का श्रवण नहीं करता है, इनमें से कौन सा हार्मोन का श्रवण नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा और जिगर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्लीहा और जिगर। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा प्रोटीन होता है, क्या होता है प्रोटीन होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बना होता है किसके कारण, किस कारण होता है, तो इसका मेलानिन, कौन सा हो जाएगा मेलानिन, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़े हुए हृदय की बढ़ी हुई धड़कन को समान स्तर पर तक लाने में कौन सा हार्मोन सहायक करता है, बढ़े हुए हृदय की बढ़ी हुई धड़कन समानतः स्तर पर तक लाने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा नॉरएड्रेनल। डीएनए और आरएनए निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, डीएनए और आरएनए प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा रिफ्लेक्शन। यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है, यूरिया जो है किसके विघटन के उत्पाद से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर अमीनो अम्ल, कौन सा हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है रक्त वर्ग वो रोगी किस वर्ग में रक्त दाता रक्त दे सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ओ, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, बांदीपुर देखिए क्या है, इसका करेक्ट आंसर देखिए पिन वैली जम्मू कश्मीर ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सिमलीपाल उड़ीसा में है, राजाजी उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा TCP/IP। चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हाइब्रिड कंप्यूटर, कौन सा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मृदा भूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी प्लास्टिक, कौन सा हो जाएगा प्लास्टिक। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी CO2, कौन सा हो जाएगा CO2।
निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक तथा भविष्य का ईंधन माना जाता है? निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक तथा भविष्य का ईंधन माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित कथनों विचार के कांच पर उत्कर्ण किया गया किया या खरोचा जा सकता है? इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी, एक और दो, हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिकॉन से, हीरा और हाइड्रोफ्लोरिकॉन। कथन देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, आर में देखिए ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ जाता है, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट एफ और सी एफ यदि है तो एफ का संबंध क्या हो जाएगा, तो एफ का संबंध देखिए क्या हो जाएगा, एफ का संबंध करेक्ट देखिए इसका आंसर हो जाएगा 89 का, तो ये हो जाएगा आपका एफ, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। साइकिल के कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, साइकिल के और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्यों, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पहिया और दूरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, पहिया और दूरी और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। कथन ये, रासायनिक तत्व आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक भौतिकता किसी एक वर्ग के सदैव ऊपर से नीचे होती है, किसी एक वर्ग के परमाणीय, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 91 का, देखिए कितना नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। दक्षिणी ध्रुव पर शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर शोध के लिए स्थापित भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन आपका यह है दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के सिरे से एक दूसरे सिरे तक समान 24 फ्रेम प्रति सेकंड किए जाते हैं, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आँख देखिए आर में क्या, आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर ए सही है परंतु आर गलत है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, पानी का अपेक्षित घनत्व जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री, 4 डिग्री। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ये बराबर वी माइनस यू बाय टी, वी माइनस यू बाय टी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए कि इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 96 का, ऑप्शन हो जाएगा नैनोकर्ण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि सुनाई देती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्यों? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रति लोम अनुपाती होते हैं, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रति अनुपाती होते हैं। प्रयुक्त में फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यदि एफ भी ऊपर की ओर लगने पर उत्प्लावन बल है तो W नीचे की ओर लगने वाले भार है तो वस्तु द्रव सतह पर तैरने की आवश्यक शर्त क्या है? इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया किस को निम्नलिखित में मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया किससे मिलाकर बनाया जाता है? क्या आपको इसका आंसर पता है? तो नहीं पता है, देखिए इसे नाइट्रोलिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिकम, नाइट्रोकोलिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिकम, तो आपके 100 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।